हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूँ कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में जान रहे थे, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जान रहे थे, और वो सारी ही चीजें स्टडी करेंगे जो अभी तक आपको प्लांट्स के बारे में नहीं पता है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया है, इंट्रोडक्शन देखें, और आपने क्या जाना कि प्लांट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे स्टडी की थी। नेक्स्ट हमने देखा था पौधों का वर्गीकरण हमने किस प्रकार से किया है, अलग अलग वर्गीकरण हमने किया, अलग अलग ग्रुप में हमने प्लांट्स को रखा है, किसके आधार पर रखा है आपने आगे देखा, अलग अलग आधार पर रखा। सबसे पहले हमने क्या कहा, बेस्ड ऑन साइज ऑफ द प्लांट एंड द टाइप ऑफ स्टेम, हमने जो प्लांट है उसके साइज के आधार पर और उसके तने के आधार पर वर्गीकरण किया है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास हर्ब्स आया है, क्या होते हैं हर्ब्स, क्या उनके एग्जाम्पल होते हैं, सारी चीजें डिटेल में हमने पढ़ी है। नेक्स्ट हमने बात की है किसकी, श्रब की। ठीक है, सबसे छोटे हर्ब्स होते हैं, उससे बड़े क्या होते हैं, श्रब्स होते हैं। आपके आपको उनके कैरेक्टर्स बताए गए हैं और क्या क्या इनके एग्जाम्पल होते हैं ये बताए गए हैं। नेक्स्ट हमने बात की है पेड़ यानी कि ट्री की। अब हमने क्या कहा, साइज के बेसिस पे आप देख रहे हैं कि छोटे से प्लांट से बड़े की ओर हम बढ़ रहे हैं। तने के आधार पर आप देख रहे हैं, पहले कोमल था, फिर थोड़ा सा कठोर हुआ, फिर बहुत ज्यादा कठोर हो गया है। और तने के साइज को भी आप देखेंगे तो तने का जो साइज है वो पहले बहुत कैसा था, कोमल हरा था और छोटा था, फिर बड़ा होता यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, इसी के साथ ही हमने क्रीपर्स और क्लाइंबर्स की भी बात की थी। हमने कहा था क्रीपर्स क्या होते हैं, जो उनका तना इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो खड़े हो पाए, तो वो जमीन पे ही फैल जाते, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, पम्पकिन का आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, इनके तने भी बिना सपोर्ट के खड़े नहीं हो पाते, लेकिन अगर सपोर्ट इन्हें मिल जाता है तो ये क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने क्या कहा कि जो प्लांट है उसके लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र के आधार पर हमने प्लांट को वर्गीकृत किया, जिसमें हमने एनुअल यानी कि वार्षिक की बात की थी, हमने बाइनियल यानी कि द्विवार्षिक और पेरिनियल यानी कि बारहमासी की हमने बात की थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा फूलों के आधार पर फिर से हमने पौधों का वर्गीकरण किया है, जिसमें हमारे पास फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आए हैं। ठीक है, यानी कि जिन पौधों में फूल पाए जा रहे हैं उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स कह रहे हैं, जिनमें फूल नहीं पाए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहेंगे। अब बात आ रही है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, यानी कि पौधों के भागों के बारे में हमने बात की है, और हमने क्या कहा है, पौधे को मेनली हमने दो पार्ट में विभाजित किया है। कौन कौन से वो दो पार्ट होते हैं, देखिए हमने कहा रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, दो अलग अलग पार्ट्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, मिट्टी से नीचे वाला जो पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रूट सिस्टम कहेंगे। उसके बाद हमने कहा कि मिट्टी से बाहर जो पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, शूट सिस्टम कहेंगे। ठीक है, जिसे आप जड़ तंत्र भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे रूट सिस्टम में हमारे पास अलग अलग पार्ट्स आते हैं, जैसे कि बीच में क्या होगी, मेन रूट होगी, इधर क्या होगी, यहाँ पे सेकेंडरी रूट कहिए या फिर द्वितीय जड़ कहिए, और द्वितीय जड़ पर कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे क्या आएंगे, बाल जैसी संरचनाएं आएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, रूट हेयर कहेंगे या फिर जड़ रोम जिन्हें कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो शूट सिस्टम होता है उसमें क्या आता है, स्टेम आएगा, बर्ड यानी कि कली आएगी, फ्रूट यानी कि फल, लीफ यानी कि पत्ती, फ्लावर यानी कि फूल यहाँ पे आता है। इसी के साथ नोड और इंटरनोड की भी हमने बात की थी। ठीक है, हमने कहा ये क्या है, स्टेम है, यहाँ से क्या निकली, शाखा निकली है। ठीक है, और यहाँ से फिर से एक शाखा निकली है, तो यहाँ से एक नई शाखा निकलती है, कली निकल रही है, उसे हमने क्या कहा, नोड कहा। और हमने कहा दो नोड यानी कि एक नोड ये हो गया है, एक नोड ये हो गया है, दो नोड के बीच का जो स्थान है उसे हमने क्या कहा था, इंटरनोड कहा था। सारी चीजें डिस्कस की है, आपको क्या करना है, रिवाइज यहाँ पे करना है। चलिए, अब सबसे पहले हमने क्या किया, पौधे के भागों को देखा, एक एक करके हम सारे भागों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे थे स्टेम यानी कि तने के बारे में। अब तना क्या होता है, आपने देखा कि जो मिट्टी से ऊपर वाला भाग हमने बताया था वो तना होता है, जो कि शूट सिस्टम का पार्ट है। क्या क्या फंक्शन होते हैं, हमने कहा कि जल का वितरण कर रहा है, पानी का वितरण कर रहा है, और खनिज लवणों का वितरण कर रहा है, पौधे को स्थिर रखता है, पौधे को क्या देता है, सपोर्ट देता है।
और इस तने से क्या निकलती हैं, पत्तियां निकल रही हैं, कलियां निकल रही हैं, फूल और फल निकल रहे हैं। आपने देखा होगा सारी चीजें किससे अटैच होती हैं, यहाँ पे तने से अटैच होती हैं। इसी के साथ आपके पास एग्जाम्पल आते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे तने भी होते हैं जो मिट्टी के नीचे रहते हैं, जैसे कि आलू हो गया है, जैसे कि अदरक हो गया है, ठीक है। ये मिट्टी से नीचे रहते हुए भी क्या है, तने हैं। क्यों तने हैं? क्योंकि इन पे क्या पाई जा रही है, नोड पाई जा रही है। अगर आप अदरक का एग्जाम्पल देखेंगे, अदरक का अगर आप डायग्राम यहाँ पे देखेंगे, अगर इस प्रकार से अदरक आपके पास आते तो आपने देखा होगा ऐसे क्या पाई जाती है, इसमें नोड पाई जाती है। जहां पे भी नोड पाई जा रही है वो क्या होगा, तना होगा, क्योंकि नोड किसका एक कैरेक्टर है, हमने कहा तने का कैरेक्टर है, ठीक है। आलू है तो आलू में क्या, इस प्रकार से आलू है, आलू में क्या पाई जाती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे बर्ड पाई जाती हैं। हमने क्या देखा, आलू को आप कुछ दिन तक रखेंगे उसमें ग्रीन, जैसे ग्रीन कलर की क्या निकलने लग जाती है, छोटी छोटे आप देखेंगे पत्ती नुमा संरचनाएं निकलने लगती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हमने कहा आलू की बर्ड आ गई है। तो बर्ड को काट करके फिर हम क्या करते हैं, बोते हैं, और उसी से पूरे प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। बर्ड कहाँ से निकल रही है, हमने कहा तने से निकलती है। नोड कहाँ पे पाई जाती है, हमने कहा तने पे पाई जाती है। इसीलिए हमने क्या कहा, अदरक या आलू क्या है, यहाँ पे तने होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के तने बताए गए थे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब हम तनों की बात करेंगे तो अलग अलग तने हमारे पास आएंगे। जैसे कि हम कहेंगे भूमिगत तने, ठीक है, जो यहाँ पे हम भूमिगत तने यानी कि जो भूमि के अंदर तने रहते हैं, जिसमें क्या क्या आप पढ़ोगे, जिसमें आप पढ़ोगे इसमें आलू के बारे में, अदरक के बारे में क्या बात की गई है। हमने कहा अगर हम स्टेम की बात करें, स्टेम यानी कि तना, उसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि भूमिगत तने, वो तने जो भूमि के अंदर रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, भूमिगत तने कहेंगे। फिर हम बात करेंगे अर्धवायवीय तनों के बारे में, ठीक है, यानी कि पहले आप पढ़ेंगे अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में, फिर आप पढ़ेंगे सब एरियल स्टेम के बारे में, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे एरियल स्टेम के बारे में, ठीक है। क्या क्या आपने पढ़ना है, आपने पहले देखना है भूमिगत तनों के बारे में जो कि भूमि के अंदर होते हैं, अर्धवायवीय तनों के बारे में जो आधे भूमि में होते हैं आधे हवा में होते हैं, और लास्ट में पढ़ेंगे आप वायवीय तनों के बारे में यानी एरियल स्टेम के बारे में, जैसे कि गन्ना, ठीक है। ये आप कब पढ़ेंगे, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है जो तने होते हैं वो कुछ ऐसे तने भी होते हैं जो मिट्टी के नीचे रहते हैं, इनके एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। चलिए अब बात करें अगर लीफ की, तो हमने कहा कि पौधे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, लीफ है। वैसे तो जितने भी पार्ट्स आपने देखे सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन लीफ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लीफ में हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पत्ती की संरचना भी दिखाई गई थी, ठीक है। हमने कहा था ये क्या है, पूरी एक पत्ती है। अब यहाँ पे पत्ती किससे कहाँ से निकली होगी, नोड से यहाँ पे जुड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे बीच में हमने कहा जो मोटी से आपको डंडी दिखाई देती है इसे हम क्या कहते हैं, मिड रिप कहते हैं। मिड रिप से ये जो निकल रही है धागे नुमा संरचनाएं इसे हम क्या कहते हैं, वेन या शिरा कहते हैं, ठीक है। और शिराओं के विन्यास को हम कहते हैं सिरा विन्यास या फिर वेनेशन। प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से हमने जाना था वेनेशन को, और टाइप्स ऑफ वेनेशन को भी यहाँ पे जाना था। तो हमने क्या कहा, क्यों यहाँ पे ये बन रही हैं, ये जो मिड रिब है या जो वेन है क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पत्ती में भोजन का निर्माण होगा और पत्ती से जो भोजन अलग अलग पार्ट्स में जाता है, तो इसके लिए क्या होगा, भोजन जब यहाँ पे बना, यहाँ पे भोजन बन गया है, अब ये भोजन इन्हीं वेन्स के द्वारा कहाँ जाएगी, मिड रिब में चला जाता है, और मिड रिब से फिर ये आगे को पास हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे आपने क्या देखा, लीफ का स्ट्रक्चर देखा, सारे पार्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं आपको, मिड रिब, वेन बताई गई है, ठीक है, नोड बताया गया है, और यहाँ पे क्या है, इंटरनोड कब बताया जाएगा, जब यहाँ से एक और ब्रांच निकल जाएगी, तो इसके और इसके बीच का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इंटरनोड होगा, ठीक है। अब हमने कहा कि जो चौड़ा सरफेस है उसे हमने क्या कहा, लैमिना कहा। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है उसे हमने टिप कहा, जहां से पत्ती नोड से जुड़ी हुई है उसे हमने क्या कहा, पेटियोल कहा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेनेशन,
सिरा विन्यास का प्रकार हमने देखा था। दो प्रकार का विन्यास हमारे पास आया है, कौन कौन सा? हमने कहा रेटिकुलेट यानी कि जालिकावत सिरा विन्यास, और हमने कहा था पैरेलल यानी कि समांतर सिरा विन्यास। ये आपके पास एग्जाम्पल है। अगर आपको पत्ती में जाल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जाल जैसा डिजाइन दिखाई दे रहा है, तो क्या है वो? जालिकावत सिरा विन्यास है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेटेड वेनेशन कहते हैं। अगर पत्ती में, हमने कहा अगर पत्ती में इस प्रकार से विन्यास दिखाई दे रहा है, यानी ये जाल नहीं बना रहे हैं, पैरेलल है, समांतर क्या है, यहाँ पे शिराएं पैरेलल है, जैसे कि आपको इस पत्ती में दिखाई दे रही है, तो उसे हमने क्या कहा? पैरेलल वेनेशन कहा, या फिर समांतर सिरा विन्यास कहा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक की बात हम सारी कर चुके थे, आप जान रहे हैं नोड और इंटरनोड किसे कहते हैं। हम बात कर रहे थे फंक्शन ऑफ लीव्स यानी कि पत्तियों के कार्य के बारे में हमने बात की थी, और मेन हमारे पास दो फंक्शन आए थे। कौन कौन से आए थे? हमने कहा था ट्रांसपिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, क्या होता है ट्रांसपिरेशन? आपको क्या बताया गया था कि सबसे पहले जान लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब भोजन बनाने के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए था? तो आपको पता है उन्हें क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक चाहिए, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश चाहिए, वाटर यानी कि जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें चाहिए होती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या करना है? सारी कच्ची सामग्री को इकट्ठा करना है। क्लोरोफिल इनके पास होता है, आपको बताया गया है कि पौधों का जो हरा कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? हरित लवक या क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, दोनों एक ही है, हरित लवक को ही हम क्या कह रहे हैं? क्लोरोफिल कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्लोरोफिल तो प्लांट में था, फिर प्लांट ने क्या किया? सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश को कहाँ से लिया? सूर्य से ले लिया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे थी? हमारे वातावरण में थी। आपको पता है हमारे वातावरण में वायु होती है जिसमें क्या है? CO2 भी होगी, ऑक्सीजन भी होती है। तो प्लांट ने क्या किया? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब बचा पानी। पानी कहाँ पे होता है? हमने कहा पानी क्या होता है? मिट्टी में घुलनशील जो पानी होता है वहीं से पेड़ पौधे पानी को ग्रहण करते हैं। आपने देखा होगा जब आप पेड़ पौधों को लगाते हैं तो हम गमलों को पानी भी देते हैं, तो हम कहाँ डालते हैं पानी? आपने ध्यान दिया होगा आप ऊपर पत्तियों में नहीं डालते हो, आप जड़ में डालते हो, नीचे जहाँ मिट्टी होती है वहां पे आप पानी को डालते हो। क्यों? क्योंकि जो जड़ होती है जड़ ही पानी को अवशोषित वहां से करेंगी। अब पानी ने, पौधे ने क्या किया? पानी को अवशोषित कर लिया है, लेकिन उसने अधिक पानी को अवशोषित कर लिया, उन्हें इतने पानी की आवश्यकता नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल उन्हें सिर्फ एक गिलास पानी की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? दो गिलास पानी को अवशोषित कर लिया। ठीक है, किसकी बात हो रही है? पौधे की बात हो रही है। हमने कहा पौधे को क्या थी? एक ही गिलास पानी की आवश्यकता थी, लेकिन पौधे ने दो गिलास पानी को अवशोषित कर लिया है। अब क्या होगा? एक्स्ट्रा जो पानी है उसका क्या होगा? हमने कहा एक्स्ट्रा पानी पौधे की बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सेम वैसा ही है जैसे हमारी बॉडी में होता है, जब आप एक्स्ट्रा पानी पीते हो तो हमारी बॉडी एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देती है। ठीक है, सेम ऐसा ही प्लांट में होगा। तो कहाँ से निकालती है? हमने कहा पत्ती से ही निकालती है। ठीक है, पत्ती से ही निकालती है। ये हमारे पास पत्ती आ गई है, और पत्ती में क्या है? पत्ती में क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि क्या करते हैं यहाँ पे पानी को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे यहाँ पे? छिद्र होते हैं। छोटे छोटे छिद्र होंगे यहाँ पे पत्ती में, और वहां से पानी क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में? यहाँ पे जो H2O है वो पहले लिक्विड के फॉर्म में था, तरल अवस्था में था। आप पानी पीते हैं, तरल अवस्था में पानी पीते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपने पानी को उबाला तो पानी क्या बन गया? भाप बन गया, यानी गैस के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? जो पानी है वो पहले क्या होगा? गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और अब ये पानी बाहर निकल जाता है किसके फॉर्म में? गैस के रूप में। ठीक है, गैस के फॉर्म में क्या होगा? पानी पत्ती से बाहर निकल जाएगा, और इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो क्या बताया गया आपको ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन हमने कहा इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी कि यह पत्तियों की सतह से पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। अब वाष्पीकरण में क्या होता है? देखिए वाष्पीकरण में क्या होता है? जो पानी होता है जब उस पर हीट पड़ती है तो वो क्या होता है? पानी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर के उड़ जाता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है, लेकिन
जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया पौधों में पाई जाती है तो हम उसे वाष्पीकरण नहीं कहते हैं, क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जहां पे वाष्पोत्सर्जन नाम आ गया है, इसका मतलब ये किससे रिलेटेड होगा? प्लांट से रिलेटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा? जब पत्ती चारों ही चीजों को मिला लेती है तो ये क्या बनाती है? भोजन का निर्माण करेगी, और भोजन के साथ साथ ये क्या करती है? ऑक्सीजन गैस को भी बनाती है। ये वही ऑक्सीजन गैस है जिसे क्या करते हैं? हम सांस में लेते हैं। तो भोजन का नाम क्या होगा? आपको ये ध्यान रखना है, भोजन यहाँ पे क्या बना? ग्लूकोज बना। साथ में इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, पत्तियों के कार्य में आपके पास दो कार्य आए हैं, ट्रांसपीरेशन हो गया है, फोटोसिंथेसिस हो गया है। ट्रांसपीरेशन में क्या हो रहा है? जो एक्स्ट्रा पानी है, जो अतिरिक्त पानी है, वो पौधे के शरीर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। किसकी फॉर्म में? गैस की फॉर्म में, ठीक है। दूसरा काम है फोटोसिंथेसिस। पत्तियों का मुख्य कार्य है यहाँ पे पौधे के लिए भोजन का निर्माण करना, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जाता है? पत्तियों को खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है, फूड फैक्ट्री हम किसे कहते हैं? पत्तियों को यहाँ पे कहते हैं। तो आपने क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे नोट यहाँ पे करना है। हेलो, हेलो गुड बच्चे, मॉर्निंग अपना मैम। नाम बताइए। गुड मॉर्निंग कृष्णा। मैम मैं कृष्णा आर्या। मैम कृष्णा कौन सी क्लास के हो बच्चे? मैम 8। 8th के? अच्छा, चलिए आप 8th में हैं तो फिर तो आपको चीजें बहुत अच्छे से आती होंगी, है ना? आप मुझे पत्तियों के मैम कार्य बता दीजिए, पत्तियों के कार्य बता दीजिए। चलिए पत्तियों के प्रकार बता दीजिए, जो हमने देखा था सिरा विन्यास के आधार पर पत्तियों के जो प्रकार होते हैं पत्तियां वो मैम पेड़ों को खाना बनाती हैं। मैम क्या हेलो, कहते हैं उस प्रक्रिया को? मैम बस मैम दोबारा बोलिए। मैंने कहा पत्तियों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? मैम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए बैठिए जी। आईसी पांकू, आपको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मीना जोशी। मीना, चलिए मीना आप ये बताइए फोटोसिंथेसिस के लिए जो कच्ची सामग्री होती है वो क्या क्या होती है? कौन बताएगा पानी, मुझे? पानी, ठीक है। पूछना नहीं है किसी खनीज से? लवण। खनिज लवण, खनिज अच्छा, लवण। ओके। और कहिए कहिए। पानी, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट खनिज लवण। बच्चे खनिज लवण नहीं होगा, इसके अलावा किसे पता है? जीआईसी पांखों में हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी सियालदे, जो बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं, बच्चे माइक लीजिए अपना। CO2, ठीक है आपने। GIC सियालदे, माइक लीजिए अपना, जो बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। चलिए मीना आप बैठिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम भास्कर। भास्कर, चलिए भास्कर हमें बताइए कि फोटोसिंथेसिस के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है? मैम H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके मैम, ठीक है। भास्कर ने बहुत जल्दी जल्दी आंसर दिया, इसका मतलब उन्हें जो रॉ मटेरियल है वो अच्छे से लर्न है, ठीक है। वेरी गुड भास्कर, बैठिए। थैंक यू मैम। चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसके बारे में? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। क्या क्या चीजें अभी तक हमने पढ़ ली है? हमने स्टेम यानी कि तने के बारे में पढ़ लिया है, पत्ती के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे बर्ड यानी कि कलियों की, ठीक है। क्या क्या होते हैं इनके फीचर्स देख लेते हैं। हमने कहा द बर्ड्स आर बेसिकली अ शूट दैट इज इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्या बताया जा रहा है? कलियां मूलतः एक अंकुर है जो विकास के चरम पर होती है। जो कलियां होती हैं वो क्या होता है, उनसे क्या बनती है? ब्रांच बनती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होते हैं, वो डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवस्था में पाई जाती हैं।
नेक्स्ट हमने क्या कहा, इट अपेयर्स एज अ स्मॉल प्रोजेक्शन फ्रॉम द स्टेम, यानी कि यह तने से छोटे प्रक्षेपण के रूप में दिखाई देता है। आपने देखा होगा बर्ड कैसे निकलती हैं, छोटी सी निकलती हैं, है ना, धीरे धीरे क्या करती हैं, उनका उनकी ग्रोथ होती है, उनका डेवलपमेंट होता है और वो पूरी शाखा वहां पे बन जाती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें वो देखिए। अगर हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में देखें तो इम्पोर्टेंट क्या है, तना है इम्पोर्टेंट है, पत्ती इम्पोर्टेंट है, जड़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और फूल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फ्लावर के बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कौन, फ्लावर। किसी भी पौधे का सबसे खूबसूरत जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, फ्लावर होता है। क्या क्या चीजें फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक फूल आता है, सबने देखा है फ्लावर, सभी ने देखा है। अब अलग अलग पार्ट्स को हम देखेंगे। तो फूल के जब हम पार्ट्स देखते हैं तो दो तरीके से देखते हैं। एक तरीका होता है हम बाहर से अंदर की ओर देख रहे हैं, सबसे पहले हम बाहर के पार्ट देखते हैं फिर हम अंदर की ओर आते हैं। तो हमने क्या बात की है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बात की। मैंने कहा कि दो प्रकार से हम क्या देखते हैं, जो फूल है उसे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो सबसे पहले हम बाहर का पोर्शन देखते हैं, फिर उसके बाद अंदर का, फिर उसके बाद अंदर का। अगर हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले हम इंटरनल पार्ट देखेंगे फिर उसके बाहर का पार्ट देखेंगे। इसी प्रकार से क्या है, सीक्वेंस चलता है। तो हम कौन सा सीक्वेंस देखेंगे, हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, सबसे पहले बाहर का पार्ट देखेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर की ओर जाएंगे। सबसे बाहरी पार्ट कौन सा होता है, जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता है, आपने फूल देखा हुआ। और फूल जो होता है, पूरा जो फ्लावर होता है उसकी जो बॉटम में आपको दिखाई देती हैं हरी पत्तियां। ठीक है, बॉटम में क्या होती है, हरी पत्तियां होती हैं। क्या कहते हैं उन्हें, सेपल कहते हैं या बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं होगा आपको लर्न करने में, क्योंकि क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, बाह्य दल क्या बता रहे हैं, जो बाहर का दल होता है उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य दल कहेंगे। ठीक है, बाह्य दल के बाद हमारे पास जो इंटरनल ऑर्गन आता है उसके अंदर का वो होता है दल। ठीक है, तीसरा पार्ट हमारे पास क्या आता है, स्टेमेन आता है। और चौथा पार्ट हमारे पास क्या आता है, पिस्टल यानी कि स्ट्रिकेशन आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो फ्लावर है उसे अच्छे से समझना है। उससे पहले आपको क्या करना है, आप फ्लावर को देखेंगे और फ्लावर को देखेंगे तो आप एक एक पार्ट को स्टडी करते चले जाएंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो एक फ्लावर आप स्कूल में लेके आ सकते हैं। और जब हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे फूल के बारे में, तो जैसे जैसे मैं एक एक ऑर्गन के बारे में आपको बताती जाऊंगी, जैसे जैसे एक एक पार्ट के बारे में बताती जाऊंगी, आपने उस पार्ट को देखना है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।